सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टार इंग्लिश पे। हम लोग बात करने वाले हैं कुछ गेसिंग क्वेश्चंस के ऊपर और एक वीडियो हम लोग कर भी चुके हैं गेसिंग क्वेश्चंस का। और गेसिंग क्वेश्चंस का जितने भी वीडियो जाएगा वो सब पार्ट वाइज जाएगा, है ना। जितने भी वीडियो जाएंगे सब पार्ट वाइज जाएंगे और ये दूसरा पार्ट होगा। और आप लोग सिर्फ मेहनत करते रहिए, है ना, और मेहनत करिएगा तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी ये बात सही होगी। सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाले हैं ये सब क्वेश्चंस। तो आप लोग फ्यूचर देखिए और अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मेहनत कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स इफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो 3 माइनस एक्स का मॉड है यह 3 माइनस एक्स के इक्वल कब होगा, है ना, 3 माइनस एक्स के इक्वल कब होगा। तो हम लोग प्यार प्यार से एकदम आराम आराम से सीखेंगे चीजों को, है ना। सिर्फ टिकआउट करने से काम नहीं चल जाएगा कि भैया कर देंगे कि इसका ये क्या काम होने वाला है। आपको बातें सीखना है, आपको बातें क्या करना है, सीखना है। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कम लेकर आ रहा हूं, है ना, क्योंकि ज्यादा लेकर आऊंगा तो फिर वीडियो लंबा होगा। अगर ज्यादा मैं डीपली जाऊंगा समझाने के लिए तो वीडियो तो ऑब्वियसली लंबा होने वाला है। इसलिए कम क्वेश्चन लेकर आऊंगा और अच्छे ढंग से हम लोग उसको करेंगे। तो ये मॉड फंक्शन है भैया, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मॉड फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। तो यह जो हमारा मॉड एक्स है साहब, यह जो हमारा मॉड एक्स है यह कैसे ब्रेक होता है, तो यह एक्स हमारा प्लस में होता है जब एक्स हमारा जीरो से बड़ा और बराबर होता है, जब हमारा एक्स जीरो से बड़ा और बराबर होता है। और यह माइनस एक्स होता है जब हमारा एक्स जीरो से छोटा होता है। इतना तो आप क्लियर है, लेकिन यहां पर एक्स के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो एक्स के जगह पर 3 माइनस एक्स है। क्या है, 3 माइनस एक्स है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 माइनस एक्स का जो मॉड है इसको भी भैया इसी तरह से आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो इसका मॉड, तो ये क्या हो जाएगा कि यह 3 माइनस एक्स जो है प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में होगा जब हमारा 3 माइनस एक्स जो है जीरो से बड़ा और बराबर होगा। जीरो से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। और यह माइनस में होगा साहब, किस में होगा, माइनस में होगा जब हमारा 3 माइनस एक्स जो है जीरो से छोटा होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि आगे ये क्या देगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं ऐसा करूं कि यह तो 3 माइनस एक्स है ही, यहां पर जो 3 माइनस एक्स है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है, तो यह माइनस 3 जब राइट में जाकर शिफ्ट होगा तो यह हो जाएगा कि 3 जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स हो गया, है ना। और यह क्या हमारा, और इसमें माइनस अंदर जाएगा तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक कंडीशन कब आ रहा है, जब हमारा 3 माइनस एक्स जो है जीरो से छोटा है, क्या है, जीरो से छोटा है, ठीक। यानी इस वाले एक्स को आप उधर ले जाए, ठीक, तो उधर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स भैया बड़ा हो जाएगा हमारा, एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, 3 से। तो यहां से क्या हो जाएगा कि हम लोग जो है इस बात को लिख सकते हैं कि 3 माइनस एक्स, अब यह एक्स जो है छोटा और बराबर है 3 से, मैं यानी इसी को आप लिख सकते हैं कि एस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, है ना। और यहां एक्स माइनस 3 हो रहा है कब, जब हमारा एक्स है 3 से बड़ा, ठीक है। यानी यह क्या बोला है कि यह जो है मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इसके इक्वल होगा कब, तो यहां पर हमारे पास क्या है इज इक्वल टू में, तो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स है, क्या है भाई, तो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स है। तो देखिए इसके बराबर में ये चीज आया, इसके बराबर में ये चीज यहां दिख रहा है हमें, इसके बराबर में कब है, जब एक्स का वैल्यू 3 से छोटा और बराबर है, जब एक्स का वैल्यू 3 से छोटा और बराबर है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि आप जो एक्स का वैल्यू लेंगे वह अगर 3 के बराबर लें या 3 से छोटा,
जितने भी नंबर्स हैं वो सब ले लें तो यह दोनों बात हमारा इक्वल होगा, हमेशा ये चीज सही होगा, है ना। यानी हम जो ऑप्शन लगाएंगे भैया कि यह मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स जो है 3 माइनस एक्स के बराबर है कब, जब हमारा एक्स 3 के बराबर है और 3 से छोटा है। क्या है? 3 से छोटा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। कैसा है? करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए, मुझे विश्वास है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए इसको। तो मॉडुलस फंक्शन से ही क्वेश्चन एक था और बाकी इनइक्वालिटीज से है, है ना। इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। और तो चलिए बात करते हैं। तो यहां पे है दूसरा क्वेश्चन भाई साहब। क्या है? नंबर टू वाला क्वेश्चन। तो ऊपर मैं इरेज कर लेता हूं इसे। ए जिंदगी, जब मैं गुनगुनाता हूं तो आप लोग सोचते होंगे कि सिंटू सर अब गाना गाथू भाई। वाह, गाना ना गाथू कहीं ना, हमारा भैया गाना होना नहीं आता है, जो जो मन में आया वो गुनगुना दिया, है ना। और जैसा मेरा आवाज है यही भाई निकलता है, आप तक यही आवाज पहुंचता होगा और लगता होगा कि सिंटू सर गाना गाएंगे, कहीं ना गाना नहीं गाएंगे, आता ही नहीं है। छोटा मोटा जो आता है, टूटी फूटी आवाजें आप तक पहुंचती है, आप उसे पसंद करें या ना करें आपकी मर्जी। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। बोला जा रहा है कि 4x plus 3 is less than 6x plus 7, then x is belongs to। अगर हमारा 4x क्या है भैया, तो हमारा अगर 4x plus 3 जो है छोटा है किससे, 6x plus 7 से, तो x is belongs to, मतलब यहां पे ऑप्शंस गिवन है। कौन सा ऑप्शन इस इन चारों में से सही होगा, यानी किस इंटरवल में यह x बिलोंग्स करेगा, ये आपको निकाल के देना है। यानी x का वैल्यू हमें निकालना है क्या होगा। तो देखिए यहां पर है हमारा 4x, तो x वाले पार्ट को एक तरफ कीजिए। जो इनइक्वालिटीज है यह जो है इक्वल के जैसा ही काम करता है, बट इसका वैल्यू जो है काउंट क्या इनफाइनाइट होते हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते हैं। तो यहां पर 6x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6x, और यहां पर 7a3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस में। यानी इधर आपके पास बचेंगे माइनस 2x इज लेस देन किधर 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, है ना। तो अब यहां यह क्या होगा, 4 जो है 2 टाइम्स कट जाएगा 2 से, तो हमारा जो माइनस एक्स है यह क्या हुआ, 2 से छोटा हो गया, है ना। माइनस एक्स जो है भैया 2 से कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब इन इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वह साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन अपना चेंज करेगा। डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो अगर मैं माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करूं और इधर भी मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसका जो डायरेक्शन है भैया ये चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। यानी हमारा जो एक्स है अगर मैं माइनस टू से बढ़ा लूं एक्स का वैल्यू, तो ये बातें हमारा हमेशा जो है सही होने वाला है, ठीक। तो माइनस टू से कितना बड़ा लेना है, माइनस टू से कितना बड़ा, तो इनफिनिटिव तक, ठीक है ना। तो ये हमारा सही जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कहां है, बी में है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लाइफ में वही व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचता है जिसका मंजिल एक होता है। लाइफ में कोई व्यक्ति वही अपने मंजिल को प्राप्त करता है जिसका मंजिल एक होता है। वो प्राप्त नहीं करता है जो स्टेटस लगाता है सिगरेट पीते हुए, हाथ काटते हुए। अरे भैया ये कहाँ का नियम है, पढ़ने आया है पढ़ो, दिखाता है कि हाथ काट लो, फोन नहीं बात करेगी तो हाथ काट लेंगे। हम अगर उस जगह पर होते ना तो कहते कि वीडियो कॉलिंग कर रही थी, हाथवा काट तो नहीं समझ में आएगा, तब कहता फंस गई रे भाई का वीडियो कॉलिंग कर रही हो। ये सब भैया गलत बात है,
ठीक है, पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, हाथ काट रहा है, हम तो वीडियो कॉलिंग करते, काटने तो नहीं देखे थे, तब पता चलता, पागल पढ़ना चाहिए तो यही सब करता है, सिगरेट पीते हुए लगाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई साहब, बोल रहा है यहां पर कि जो हमारा एक्स है यह 5 से छोटा है, एक्स इज लेस देन 5 है ना। तो यहां जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे सब में भैया माइनस लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी यहां से क्या हम लोग कंफर्म हो रहे हैं कि इसमें माइनस से साहब मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साहब, तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आप इसमें माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स, और यह अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा। तो देखिए ये चीज जहां होगा ऑप्शन में वो बातें हमारे सही हैं, यानी माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है ना। तो कोई कोई बच्चा भाई समझता होगा कि कैसे चेंज हो जाए, हो हमारा तो पत्ते नहीं चले कैसे अति चेंज कर दे है? तो देख भाई वह समझा देती हो, मान लो कि मेरा नाम है सिंटू, मेरा नाम तो जान रहा होगा ना, सिंटू सर है भाई, तो यहां सपोज करो है सिंटू सर, कौन है, सिंटू सर है ना, ये है सिंटू सर। और सिंटू सर से अभी तुम मान लो भैया बड़ा है रुपया में, किसमें, रुपया में, मान लो सिंटू सर के पास 100 रुपया है अभी, है ना, प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा हूं, मान लो जब क्लास में तुम पढ़ रहा होगा मेरे साथ, उस समय सोचो कि मेरे पास जो है 100 रुपया है, और तेरा नाम भैया मैं क्या पकड़ू, तेरा नाम पकड़ता हूं पिंटू, क्या पकड़ता हूं, पिंटू, ठीक, और पिंटू के पास है साहब 200 रुपया, क्या रुपया, 200 रुपया, है ना। तो यहां से देख रहा होगा कि सिंटू सर है 100 रुपया पे और पिंटू जी है 200 रुपये में, तो पिंटू जी भाई हमसे बड़ा है। अब बात समझो कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, इधर भी माइनस कि माइनस 100 रुपया और इधर भी माइनस, और चेंज मैं नहीं किया, ये जो साइन है इसको चेंज अभी नहीं किया हूं, तो अब बताओ कि जब माइनस दोनों में लगा तो सिंटू सर ज्यादा कर्जा में हुए कि पिंटू जी ज्यादा कर्जा में हो गए, ये आप समझिए, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि पिंटू जी ज्यादा कर्जा में है, सिंटू जी कम कर्जा में है, यानी सिंटू जी अब हो गए बड़ा, सिंटू जी क्या हो गए, बड़ा, किससे, पिंटू से, यानी यहां पर साहब माइनस 100 रुपया बड़ा हो गया माइनस 200 रुपया से। बात समझ में आई कैसे चेंज होती है ना, जो पहले से बड़ा है माइनस डालिएगा वो आदमी हो जाएगा यहां छोटा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बात। तो चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं, चार यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग में कि चलो भाई यहाँ पे बता दूंगा, बाकी तो मैं मोबाइल उठाऊंगा, उसमें क्वेश्चन गेस किया हुआ है। तो आइए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है साहब, देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको पूरा एकदम अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि मॉड ऑफ एक्स जो है साहब यह जो है 3 से छोटा है, 3 से कैसा है, छोटा। तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ देखेगा ना मॉडुलस फंक्शन का, तो ऐसे इसमें जाता है, इसमें जाता है, यह जो है एक वाई बराबर एक्स होता है ना, और यह वाई बराबर माइनस एक्स का लाइन होता है, यानी वाई बराबर एक कब लिखाता है भैया, जब वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स है ना, इसको वी शेप्ड ग्राफ भी बोलते हैं, है ना। तो यहां से क्या आपको पता चला कि वाई का वैल्यू 2 निकला, यह 2 वैल्यू दिया, एक माइनस में दे दिया, है ना, वैल्यू ये नहीं दिया कि इसका आंसर माइनस में हो रहा है, ऐसा नहीं है, मॉड कभी माइनस में आंसर नहीं दे सकता, ये मैं बता रहा हूं कि आप इसको माइनस एक्स भी दें या प्लस एक्स भी दें, दोनों का आंसर ये हमेशा इक्वल देगा, है ना, यानी यह एक्स माइनस में भी आप लेंगे और प्लस में भी लेंगे, है ना, यहां से 2 चीज आपके पास निकलेंगे। तो यहां से भैया इसमें 2 चीज है ना,
कि माइनस एक्स भी और प्लस एक्स भी दोनों चीज मैं इसको दूंगा तो कंडीशन अभी मैं बताया था क्या होता है। जैसे कहने का अर्थ है आपके पास कि यहां पर जो x है, x बराबर भैया दो है, x बराबर क्या है दो है, तो यहां से अगर आप x का वैल्यू माइनस दो लीजिए या प्लस दो लीजिए, ये बातें हमेशा सही होने वाला है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यह जो मॉड ऑफ x है ना साहब, यह दो के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, तो वैल्यू ऑफ x आप फाइंड आउट करेंगे तो x का इसमें दो वैल्यू निकलेगा साहब, एक दो निकलेगा माइनस में और एक निकलेगा प्लस में। यानी जब आपसे बात किया जाए कि हमेशा आप याद रखेंगे कि मॉड ऑफ x बराबर 9 है, तो x का क्या वैल्यू पॉसिबल है, x का क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो आप यहां पे x का दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, कितने वैल्यूज मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगे। कैसे कैसे भाई, तो x बराबर आपको 9 मिलेंगे साहब, और x बराबर माइनस 9 और 9 है ना, सॉरी माइनस 9 और 9, यानी x आप माइनस 9 भी इसको दीजिएगा तो प्लस बनाएगा, और प्लस तो भैया प्लस है ही है ना। यानी इसका कहने का अर्थ है कि यह माइनस x और x दोनों के लिए बातें सही रहेगी यहां पे, ठीक। तो अब क्या है कि ये भैया लेस देन का साइन है, तो माइनस एक्स इज लेस देन थ्री और एक बार एक्स इज लेस देन थ्री है ना, तो ये तो भैया प्लस क्वांटिटीज है, इसमें हमें कोई अभी टेंशन नहीं लेना, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स किधर जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस साइन हम लोग देखेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, लेकिन अभी तक तो ये जो है सही है, प्लस जैसा दिख रहा है, लेकिन यहां एक्स है साहब माइनस में, तो आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्शन अपना जो है चेंज कर लेगा, क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो यहां से बोला जा रहा है कि यहां से कितने वैल्यूज मिल रहे हैं हम लोग को, दो वैल्यूज मिल रहे है ना, एक इधर माइनस इंफिनिटिव है, इधर प्लस इंफिनिटिव है, तो भैया माइनस थ्री यहां आएगा और थ्री यहां आएगा, और यह कैसा इनइक्वालिटी है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। दो प्रकार की इनइक्वालिटी होते हैं, एक स्ट्रिक्ट होते हैं और एक स्लैक इनइक्वालिटी होते हैं। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है भैया, कि जो यहां पर नोड बनता है ना इस टाइप से, कंप्लीटली भरकर आगे पीछे काम करता है। तो यह बोल रहा है एक्स, यह एक्स और यह एक्स भाई साहब सेम है, अलग अलग नहीं है, है ना। तो यहां पर x बोल रहा है कि माइनस थ्री से बड़ा है, यानी इसके बाउंड्री से इधर जाने के लिए बोल रहा है, और यह x बोल रहा है कि थ्री से छोटा है, यानी इधर बोल रहा है, यानी दोनों का यहां पर देखिए कॉमन चीज मिल गया है ना, एक कॉमन पार्ट मिल गया, यानी ये वाला आंसर हमारा जो है सही है, ये वाला आंसर क्या है सही है। यानी यहां से क्या निकल रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वह माइनस थ्री से बड़ा होगा और थ्री से छोटा होगा, है ना। इसके बीच का अगर आप वैल्यू लेंगे तो ये बातें हमेशा सही रहेगी, है ना, ये वाला बात, यानी यह हमारा आंसर जो है सही है। अब देखिए, अब भैया इधर के लिए काहे नहीं हो सकता, आप सोच रहे होंगे कि इन्हें काहे नहीं ले सकते हैं, तो काहे ना ले सके है भाई, देख अगर हम माइनस चार ले लियो तो माइनस चार के तो मॉड प्लस चार हो जाता हूं, अब प्लस चार कहीं ना तीन से छोटा होता हूं ना, है ना, तो बातें गलत हो जाएगा। अब चार लेगा तो चार का मॉड चारे रहेगा, यानी चार कभी तीन से छोटा हो नहीं सकता, यानी यहां पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो भी इसका निकलेंगे इसी के बीच में निकलेंगे, यानी ये आपका जवाब जो है सही है, ये वाला जवाब सही है। देखिए ऑप्शन कहां लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। तो मुझे विश्वास है आपको पूरी पूरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं। तेरी धड़कने कहती है, क्या कहती है भैया, पढ़ने के लिए कहती है, मेरा धड़कन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बोला था एक बार भाई, बहुत लफड़ा में पड़ गया था, लेकिन अब नहीं बोलता है, है ना। तो आइए क्वेश्चन भाई चार हो गया, पांच नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करनी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास है, कौन सा यूज करूं भाई, रेड थोड़ा लिखने मजा आ रहा है यार। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि लिमिट क्या है भैया, कैलकुलस में लिमिट से क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, इज क्या है यह,
है ना, किसके बराबर है? तो ऑप्शन है साहब आपके पास क्या है कि ए है, बी में साहब माइनस ए है, सी में क्या है माइनस वन है, और डी में प्लस वन है। क्या होगा? तो देखिए यहां पे आप याद रखेंगे बेसिक चीज मैं पकड़ा रहा हूं, ऐसे भाई ऑफलाइन क्लास में पूरी बेसिक होती है कि ये बातें कैसे निकल के आ रही है, लेकिन थोड़ा सा उतना बेसिक तो नहीं, तब पर भी थोड़े समय समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वन बाई एक्स है तो इसका जवाब साहब वन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। कैसे? तो यहां देखिएगा आप कि यहां पर एक्स का जो कोएफिशिएंट है साहब इस जगह पे यह वन है। क्या है? वन है। ए भी वन है ना, अभी तो वन ही है, और यहां भी वन है, यहां भी क्या है? वन है। यानी मैं आपसे बात करूं कि लिमिट ए एक्सटेंडिंग टू जीरो और एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस वन बाई ए एक्स है ना, तो इसका जवाब भाई साहब हमेशा जो है वन के बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए फोर एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्सपोनेंशियल फोर एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, भैया वन होगा, आप गलती से फोर में ही निकालेंगे है ना, लेकिन कंडीशन कि मान लीजिए अब यहां पर यह ए नहीं रहा, यहां पर यह भी नहीं रहा, तो यहां पर साहब वन था कोएफिशिएंट, तो वन निकल गया, छोड़िए यहां पर वन नहीं रहा, इसको देखिए वन निकल गया, लेकिन अब इस वन के पास साहब ए है। क्या है? ए है, तो यह आपका ए जो है बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? बाहर। यानी इसका जवाब जो है ए के बराबर होगा कि भैया इसका आंसर एक होगा। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्सपोनेंशियल 12x माइनस वन बाई एक्स, तो आप कुछ नहीं करेंगे, भैया जो 12 यहां लगा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, तो ये इस तरह से आप काम करेंगे इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए, साइन ए एक्स बाई एक्स, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? तो यहां से आप इसका थोड़ा सा बेसिक में पकड़ाने का कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना। यह बोलता है कि अगर हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, क्या है? एक्सटेंडिंग टू जीरो है, और यहां पर है साइन, यहां पर है साइन एक्स बाई एक्स, तो भाई साहब जवाब वन के बराबर निकलेगा। किसके बराबर निकलेगा? वन के बराबर निकलेगा। कैसे? अब यहां पर आप पकड़िए कि यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट वन, यहां पे भी वन, यहां पे भी वन। यानी मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर हमारा यहां का पूरा आइटम और यहां का पूरा आइटम और यहां का पूरी की पूरी आइटम अगर बराबर हो जाए तो हमारा आंसर एक के बराबर होगा साहब। कैसे? कैसे? देख भाई ले थी, मान ली यहां हो गया ए एक्स, क्या हो गया? ए एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दिया, क्या कर दिया? टेंडिंग टू जीरो, और यहां भी हो गया ए एक्स साइन ए एक्स बाई ए एक्स, है ना, साइन ए एक्स बाई ए एक्स, तो एक कर आंसर भाई एक ही के बराबर होगा, क्योंकि यहां वाला बात और यहां वाला बात और यहां वाला बात, यानी तीनों वाला बात एक ही बात है, तीनों वाला बात कैसा है? एक ही बात है, तो ये तो भाई ऐसा हो गया। लेकिन लेकिन इसे भाई हटाने दो इधर, है ना, डायरेक्ट भाई आऊंगा और टिकआउट करके नहीं चला जाऊंगा, है ना, गेसिंग क्वेश्चन में बता रहा हूं तो पूरी की पूरी आपके माइंड में डालूंगा, डायरेक्ट एकदम जाएगा खचाक। तो आइए, यानी मैं आपको बोलूं कि भाई साहब उधर का कोएफिशिएंट आप हटा लो इधर का, है ना, मान लो एक्सटेंडिंग टू जीरो है और साइन यहां पर ए एक्स है, क्या है? ए एक्स बाई एक्स, तो भाई साहब यहां एक्स का कोएफिशिएंट आप देखें, किसका? एक्स का, जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स कहने का अर्थ है कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन फोर एक्स वाई फोर, साइन फोर एक्स वाई फोर, तो आपका साहब जो आंसर निकल के आएगा वह फोर होगा। क्या होगा? फोर होगा। यानी यहां पर जो जवाब होगा हमारा एक क्या होगा भाई साहब? एक के बराबर होगा।
यानी एक के बराबर। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, मैं ऑप्शन नहीं लिखा और आपको क्वेश्चन समझाने लगा। नंबर ए में ए है, बी में माइनस ए है, और सी में साहब 1/a है, और डी में जो है 0 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 7, तो 7 तो भाई साहब आप कर ही लेंगे है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यही है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x/4 तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अब यानी यहां से क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन यहां पे मिल जाए है ना, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि मान लीजिए यहां पे आपके पास है लिमिट, क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पर है साइन भैया बकरी x, क्या है बकरी x बाई में x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बकरी x बाई क्या x है ना, क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बकरी x बाई x, तो एक कर भैया जो आंसर होगा वो बकरी होगा, क्या होगा बकरी होगा है ना। लेकिन यहां अगर है हो जाए कि लिमिट बकरी x, क्या हो जाए भाई लिमिट बकरी x टेंडिंग टू 0, और यहां भी आ जाए साइन बकरी x, क्या आ जाए बकरी x बटा में बकरी x है ना, तो भाई साहब यह एक के बराबर होगा क्योंकि बकरी तीनों जगह है और यहां खाली बकरी अजयने है, इसलिए ये बकरी आंसर दे रहा है। समझ में बात आ रही है, बिल्कुल आ गया होगा। अब इतना में नहीं समझेगा तो भाई आईएससी पढ़ना बेकार है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 यही था आपका है ना। चलिए अब बात करते हैं साहब किसके ऊपर, तो बातें होगी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर आपके पास हो जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और कॉस 4x है ना, कॉस क्या हो जाए 4x, भाई साहब सही से आ जाना यहाँ पे 4x इज, यह किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है कि भैया 4 है, बी है -4 है, सी है 1 है, डी है -1 है, तो कितना तो जवान मार दिया होगा कि भाई वह जो यहाँ आवई है वही आंसर हो जाई हो। तो ये भाई साइन में काम हो रहा था ना, साइन में हुआ एक्सपोनेंशियल में हुआ है ना, अब यहाँ पर आ गया कॉस है ना, क्या आ गया कॉस आ गया, तो कॉस में कैसे होगा। तो देखो भाई अगर हमारा हो जाए लिमिट, क्या हो जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहां रहे कॉस के एक्स, क्या रहे के एक्स, तो एकर जवाब जिंदगी भर 1 के बराबर होगा, किसके बराबर 1, के इज एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है वह है। यानी अगर हमारा हो जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस बकरी एक्स, का भैया बकरी एक्स, तो भैया आंसर का होता एक होता, का होता एक, यानी यहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहां कुछ भी हो जाए साहब, यहां के मतलब कुछ भी रहे एक हो जाएगा, यानी 4x है कुछ भी रहे साहब एक के बराबर आंसर देगा, ये हमेशा किसके बराबर देगा 1 के बराबर देगा। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकर आया हूं मैं आपके लिए, क्या लेकर आया हूं भाई कि अगर अब हमारे पास हो जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन 4x या टेन ए एक्स भाई ले लेता हूं है ना, टेन ए एक्स बाई एक्स, तो इज किसके बराबर होगा है ना। ऑप्शन में पहला a, दूसरा माइनस ए मीन्स सी, अब तीसरा मीन्स सी क्या 1/a, और डी नंबर -1/a है ना। तो आप पकड़े बेसिक, क्या बेसिक पकड़ा रहे हैं सिंटू सर, देखो भाई पकड़ा रहे हैं।
अगर हमारे पास रहे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या रहे एक्सटेंडिंग टू जीरो, और टेन एक्स बाई एक्स रहे साहब, क्या रहे टेन एक्स बाई एक्स, तो आप पहले ध्यान दीजिए यहां पे किधर यार मार्कर बिक दिया हो, रेड वाला यहां है, यहां देखिए साहब इसका कोफिशियंट वन, इसका भी वन, इसका भी वन, तीनों बातें बराबर, तीनों बातें बराबर, तीनों बातें बराबर, तो यहां वन निकला, क्या निकला वन निकला। अब अगर मैं कर दूं साहब कि यहां पर लिमिट, क्या कर दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना, और यहां पे कर दूं टेन ए एक्स बाई में सिंपल एक्स है ना, सिंपल क्या कर दूं एक्स कर दूं, या तो चलो ए एक्स ही ले लो, यहां पर भी ये ले लो, तो बातें तो तीनों बराबर हो गई ना इस बार भी, यहां देखो ये वाला चीज बराबर हो गई। अब जब ए बातें हो रही है बराबर, तो आंसर जा रही हमेशा एक में, किस में एक में, यानी यह साइन के जैसा ही हमें आंसर दे रहा है। तो इसका कहने का अर्थ अब क्या है कि हमसे बोलना क्या चाह रहा है, तो हमसे बोलना चाह रहा है बाबू साहब, लीजिए हम इस रूप में आ गए अब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बाई टेन हो, साइन का है लिखाई थे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन ए एक्स बाई एक्स, यानी यहां का कोफिशियंट हटाओ, यहां हटाओ, यहां लेकर आओ, है ना, तो जो इसके साथ यहां रहेगा साहब वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर टेन में भी। जैसे मैं बोल दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन फोर एक्स बाई एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा आंसर, यानी यहां क्या है भैया ए, तो ये आपका सही जवाब है ना। अब बात हो तो भाई कहां, तो अब बात हो रहा है क्वेश्चन नंबर दस पे, है ना, क्या कि अगर हमारा हो जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री, एक्सटेंडिंग टू थ्री, और यहां हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, है ना, और माइनस में हो जाए भाई साहब एट, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कि ऑप्शन में बना रहा हूं भाई, आप बनाओ इसको, ठीक है, मैं ऑप्शन बना रहा हूं एट, कोशिश करो कैसे होगा, ए में मैं दे दिया एट है ना, और बी में मैं दे रहा हूं बी में मैं दे दिया 16, सी में दे दिया माइनस 16, और डी में दे दिया माइनस 8, डी में दे दिया माइनस 8। चलो भाई करके दिखाओ क्या होगा। तो भाई साहब अब समझिए आप कि यहां पर ये चीज मैं अब क्या करूंगा कि इसको मैं इसमें डायरेक्ट रख दूंगा, जहां जहां एक्स है सब में रख दूंगा, क्यों। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो आप बात कर रहे हैं कि ये जो नंबर है ये डायरेक्ट इसमें जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है। भाई साहब लिमिट जब आप पढ़ेंगे ना लिमिट, तो जहां जीरो बाई जीरो का फॉर्म आता है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जहां पे आएगा है ना, अनिश्चित रूप, तो वहां पे डायरेक्टली काम नहीं होता है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो कहने का मतलब है कि यह जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मींस यह एक्स जीरो के पास पहुंच रहा है, उसके तरफ अग्रसर है, एग्जैक्ट जीरो पे बात नहीं कर रहा है, उसके इर्द गिर्द बात कर रहा है लेफ्ट और राइट से, है ना, यानी एक्स बराबर जीरो यह अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट वहां पे नहीं जा रहा है ना। लिमिट हमारा यह बोलता है कि एग्जैक्ट जहां पे वो टेंड कर रहा है उस नंबर पे बात नहीं करना, उसके इर्द गिर्द बात करना, ठीक है। तो एग्जैक्ट जीरो पे ये बात नहीं हो रहा है, अगर जीरो पे मैं बात करूंगा तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है, इसलिए बातें ऐसा हो रही है ना, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है, इसलिए बातें जो है भैया ऐसा बन रही है। अब जब आप लिमिट पढ़े होंगे तो आपको तो पता चल रहा होगा, या मेरा जो है कैलकुलस सिंटू सर स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो अगर कैलकुलस का सही नॉलेज लेना हो तो आप भाई ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिलियंट एकेडमी सिंटू मैथमेटिक्स को। तो देखिए यहाँ पे अब इसको बनाइए, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट इस लिमिट को पुट आउट करेंगे है ना, अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म लेकर आएगा तो आगे काम करेंगे, नहीं लेकर आएगा तो डायरेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर आप थ्री डालिए तो थ्री का स्क्वायर माइ प्लस में फाइव मल्टीप्लाई थ्री, और माइनस में साहब एट, माइनस में क्या है एट है, तो ये तो साहब नाइन हो जाएगा और ये फिफ्टीन हो जाएगा, और
माइनस में 8 हो जाएगा। तो साहब ए वाला ऐड कर लीजिए तो यहाँ 1 बच जाएगा और 15 इधर, यानी ये 16 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही आंसर है, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आज का और इस वीडियो का, आज का नहीं, आज तो बहुत क्वेश्चन होगा और वीडियो में, लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, 11, कि अगर साहब ए चीज मिल जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और साइन ए एक्स बाई बी एक्स, तब इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी में है बी, सी में है ए बाई बी और डी में है साहब माइनस ए बाई बी, क्या होगा। ठीक, तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए ना तो इसका जवाब डायरेक्ट ए बाई बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए बाई बी के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बताइए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और यहां है साइन फोर एक्स, बाई में है थ्री एक्स, क्या होगा आंसर, तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, सही आंसर हो गया, यही है इसका भाई बनाने का तरीका। तो ये 4/3 आपका सही जवाब है ना। तो इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है आपको पूरा पूरा बातें समझ में आया होगा। तो आप जो है इस तरह से सिर्फ वीडियोज जितने भी मेरा जा रहा है आपके पास, आप देखते रहिए, है ना, एग्जाम सही होगा।